अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आपके अपने चैनल एयर सर्विसेज में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू मेक रिज्यूम इन कैनवा। हमने ये देखना है कि हमने कैनवा में अपनी एक अच्छी सीवी को किस तरह डिज़ाइन करना है। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमने कैनवा में अपनी सीवी को किस तरह बनाना है। यहाँ मैं कैनवा पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने सर्च कर लेना है रिज्यूम। यहाँ पर सर्च बार में आपने रिज्यूम को सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये एक टेम्पलेट है रिज्यूम या सीवी, आप जो भी लिख लें आपको उसके तभी आपको टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो फिर आपने उसके ऊपर डिजाइनिंग करके एक अच्छी सी सीवी अपनी तैयार कर लेनी है। अब देखिए, अगर ये एक काफ़ी अच्छा टेम्पलेट है, बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं जो आपको अच्छा और जिसे आप लाइक करें, आप उसे चूज़ कर कर अपनी एक अच्छी सी सीवी बना सकते हैं। मैं कुछ और देख लेता हूँ जो मुझे पसंद आया। अगर आपको ये यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर सिंपली सर्च भी कर सकते हैं और अपने मुताबिक जो भी चाहे सीवी को बना सकते हैं। थिंक हमें इसे ही बना लेना चाहिए। हाँ, इसे ही, इसके ऊपर काफी अच्छा डिजाइन है और हम इसके ऊपर ही अपनी बना लेते हैं सीवी वगैरह। सबसे पहले आपने अपना नाम लिख लेना है। इसका साइज आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड, हमारी पिक्चर, यहाँ हम अपलोड पर जाएंगे और आप अपनी पिक्चर को मुंतखब कर लें। इसलिए मैं इसे कर लेता हूँ। हाँ, ये यहाँ पर हमारी इमेज भी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर अब हमने वर्किंग स्टार्ट करनी है, जो भी हमने अपने जिसका भी हमने इसके अंदर एंट्री चीज़ें करनी है वो। अब आगे हमारा कॉन्टैक्ट, इसे तो हम रहने देंगे। अब नीचे यहाँ पर हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। सबसे पहले ये, सेकंड मैं अपनी स्किल ऐड कर लेता हूँ, SEO डिजिटल मार्केटिंग। ओके, लास्ट पर YouTube SEO। ये मैं स्किल्स जानता हूँ, आप और भी ऐड कर सकते हैं। और लैंग्वेजेस, ये इंग्लिश को तो आप वैसे सिलेक्ट रहने दीजिए, अभी बाद में हम इसके अपने अपनी उर्दू को भी ऐड कर लेंगे। हाँ, उर्दू भी मैंने ऐड कर ली है। तो अब वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली फ्रेशर लिख सकते हैं एंड ये भी लिख सकते हैं आई हैव नो एक्सपीरियंस। तो मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर मैं इसे यहाँ पर एंटर कर लूँगा और साथ में अपनी एजुकेशन और स्किल समरी। सबसे पहले मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख लेता हूँ। मैं I have 1 year experience in YouTube SEO या
मैंने एक साल का अपना एक्सपीरियंस एंटर कर लिया है और मैं यहाँ पर यह भी लिखूँगा कि मैंने काम कहाँ पर किया, ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं आई हैव वर्क्ड 1 year इन करली नेट, ये कंपनी का नेम है। और यहाँ पर मैं कुछ और एंटर करना चाहूँ और मैं कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस 1 year, इसका मैं आई थी, मुझे यहाँ पर अपनी ऐड और चीज़ें करनी थी। यहाँ पर मैं अपनी मैंने ब्लॉगिंग की लिखी नहीं। हाँ, आप 4 से 5 स्किल्स अपनी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फिर अपनी यहाँ पर एजुकेशन के बाद आ गई हमारी। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट फ्रॉम यहाँ पर हमारी एजुकेशन भी ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर स्किल समरी के बारे में आपने ये लिखना है कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ किस अपनी स्किल में। इसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ SEO लिंक बिल्डिंग और यहाँ पर ब्लॉगिंग। हाँ, अब ये ऐड हो चुकी हैं, आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये हमारी CV तैयार हो चुकी है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन चुका है। तो आप इस तरह अपनी चीज़ें यहाँ पर एंटर कर अपनी एक अच्छी सी रिज्यूम को बिल्ड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।